हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आप लोगों के लिए माइक्रम का एक किचन का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो मैंने जो माइक्रम की बची रस्सियाँ होती हैं उससे बनाया हैगा। चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे को इस बनाने के लिए किस किस सामान की जरूरत पड़ी। पहले तो मैंने जो रस्सियाँ बची होती हैंगी उनको आपस में जोड़कर उनको मैंने हाफ हाफ मीटर में जोड़ लिया हैगा। मैंने एक ब्लू कलर का हाफ मीटर में रस्सी जोड़ ली है और 4 रस्सी मैंने येलो कलर की जोड़ ली हैगी। और मुझे 2 मोती की जरूरत पड़ेगी और किचन और लाइटर की। मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से डिज़ाइन बनेगा। डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले हम छोटा सा एक धागा ले लेंगे और उसमें रस्सियों को जोड़ेंगे। हम जो रस्सी हमने ली थी उनको जोड़ेंगे हम लोग उस धागे के अंदर। हम जो जोड़ेंगे डबल करके रस्सी नहीं जोड़ेंगे, हम सिंगल करके रस्सी जोड़ेंगे। इसे कि रस्सी को हम पहले नीचे की साइड से रख देंगे और एक पहले नॉट मारेंगे और फिर उस दूसरी साइड से करके फिर दूसरी नॉट मारेंगे। इस तरीके से हम सिंपल रस्सी जोड़ लेंगे। आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे किस तरीके से मैं रस्सी जोड़ रही हूँ। और इसी प्रोसेसिंग से हम बाकी की रस्सियाँ भी जोड़ लेंगे। हमने बाकी की रस्सियाँ भी जोड़ लेंगे। ब्लू कलर की जो रस्सी जोड़ी लास्ट में जोड़ी है, अब उसको लेंगे, पहले बाहर की साइड से एक नॉट लगाएंगे ऊपर की साइड से रखकर धागा को, और फिर वही धागा लेके नीचे की साइड से करके लेके लूप बना के हम दूसरी नॉट लगाएंगे। इसी तरीके से हमें 2 बार, एक बार ऊपर की साइड से करके एक बार नीचे की साइड करके दोबारा नॉट लगानी हैगी। ये हमें 4 बार करना हैगा। पूरा प्रोसेस हम 4 बार नहीं करेंगे, खाली नॉर्मल 4 बार करेंगे, उसके बाद एक बार और करेंगे और धागे को फिर हम वहीं छोड़ देंगे। ये करने के बाद जो हमारे बाकी के 3 धागे और बचे हुए हैं हम उसको भी ले लेंगे और उसको भी इसी धागे के ऊपर रैपिंग करेंगे। पाइपिंग के हिसाब से हम जैसे रैपिंग करते हैं उसी तरीके से हमें रैपिंग पाइपिंग की तरीके से करनी आएगी। इस तरीके से हमारा फूल के एक पंखड़ी बनके तैयार हो जाएगी और इसी तरीके से हम और भी बना लेंगे। रैपिंग करते हुए जो धागा हम साथ में लेके गए थे उसी को वहीं से घुमाएंगे और उसके ऊपर धागे जो हैं हम उस पर रैपिंग करेंगे। और लास्ट में जो ब्लू कलर का धागे के हम करेंगे रैपिंग, जैसे मैंने ऊपर के उसमें बताया था ब्लू कलर की, हमने 5 बार घुमा के धागा एक बार ऊपर से एक बार नीचे से करके हमने रैपिंग की थी, उसी तरीके से हमें ब्लू कलर के धागे की लास्ट में रैपिंग करनी है। और जो भी स्टेप हैगा जो हमने ऊपर फॉलो किया था उसी तरीके से हमें फॉलो करना है। सारे स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने 5 फ्लावर बनाए हैं और उसके और हमें एक धागा लेना है माइक्रम का, उसको हम जो फ्लावर्स बनाए हैं उसमें जो तीसरे नंबर 2 फ्लावर छोड़ के जो जगह बची है 2 फ्लावर्स के बीच में, हम उसमें धागे को डालेंगे। कैंची की मदद से आप डाल सकते हैं। धागे को डालने के बाद हम उसे पीछे की साइड से निकाल लेंगे और धागे में आगे की साइड से हम एक मोती डालेंगे। मोती डालने के बाद जो धागा है हम उसको एक फ्लावर छोड़ के जो दोनों फ्लावर्स के बीच में जगह है उसमें हम धागे को डालेंगे। धागा डालने के बाद उसे हम पीछे के साइड ही छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमने फ्लावर बनाया था उसमें लास्ट में जो 2 धागे बचे हुए थे वो हम छोड़ देंगे और बाकी धागों को जितने भी हैं आपस में करके रैपिंग करके टाइट आपस में टाइट हमें रैपिंग कर देंगे करनी है कि सारे धागों के जितने भी धागे बचे हुए हैं सबके टाइट आगे की साइड 2 धागे को पता हम छोड़ देंगे, उनको हमें रैपिंग में नहीं लेना, और सारे धागों को हम ले लेंगे और उसमें रैपिंग करेंगे। रैपिंग कंप्लीट करने के बाद हम फ्लावर सीधा कर लेंगे अच्छे से। देख लीजिए आप, हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब हमारे पास जितने भी पीछे की साइड हमारे धागे बचे होंगे वो जो हमने पीछे मोती डाल के धागा किया था उसको हमें नहीं काटना, और सारे धागों को हम काट के लाइटर की मदद से हम चिपका देंगे। वो जो हमने मोती डाल के धागा पीछे की साइड ले गए थे हम उसे नहीं काटेंगे। अभी सारे धागों को काट लिया आएगा कैंची की मदद से। और ये देखिए हमारा जो फ्लावर है बन के तैयार हो गया है। मैंने जो धागा था उसको भी काट लिया, अभी हमारे पास एक धागा बचा हुआ है। अब इसको हम नीचे उठ जाएंगे उसके अंदर से डालकर। आप अगर मोती डालना चाहे तो मोती डाल सकते हैं और इसको घुमा के हम लाइटर की मदद से चिपका देंगे। मैंने मोती डाल के चिपकाया था पर मुझे अच्छा नहीं लगा तो इस बार मैंने मोती हटा दिया था।
इस तरीके से हमारा माइकम का किचन बनके तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, जरूर बताइएगा। मैंने ऐसे ही बहुत सारे माइकम की बकार रस्सियों से डिजाइन बनाए हुए हैंगे, कुछ मैंने बड़े बड़े बॉल हैंग भी बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप बनानी सिखाई हुई हैंगी और नॉट्स के बारे में भी नॉलेज दी हैगी। आप लोगों को मेरा कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही नए नए डिज़ाइन देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से। बाय बाय एंड थैंक यू।